मैं अभी खेतों से आया हूँ आके। मैंने टोकरा ऊपर से उठाया तो ये देखें, ये चूजा जिसको सुबह सिस्टर ने लपेटा हुआ था कपड़े के अंदर, ये सुबह भी ना थोड़ा सा ठीक नहीं था, ये है बिल्कुल छोटा सा था ये। तो ये देखें अभी आके देखा है, तो मुर्गी हमारी ना असल में बड़ी कमबख्त है, उसने पाँव दे दे के ना इसको, ये देखें यहाँ पे दबा पड़ा है, और ये देखें ये मार दिया है इसने, इतना प्यारा था ये देखें, ब्लैक कलर का माशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये मुर्गी भी ना क्या कहूँ अब मैं इसको। एक और है वो भी इसी तरह पड़ा हुआ है, ये देखें वो भी निडाल है बिल्कुल, उसको भी यानी कि ठीक नहीं है ये भी ना, ये देखें खुद देखें बच्चे लेके कहाँ पे फिर रही है। देखिए यार आज हमारा एक चूजा भी अंडे से निकला ही था, मुर्गी ने इसको मारा है और इसके चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा। जो अभी अंडे से निकलता है ना तो बैक साइड पे इसके छोटी सी थैली सी होती है वो वाली ना, वो फट चुकी है, मुर्गी ने ना मारा था इसको इसी वजह से। तो ये बिल्कुल निडाल हो चुका है क्योंकि इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो इसकी ट्रीटमेंट फ़िलहाल कर रहे हैं, नीचे टिशू रख के नीचे उसके कपड़ा रखा हुआ है हमने, तो इसको फ़िलहाल इसके ऊपर मैं रख देता हूँ यार, ताकि इसको हवा वगैरह ना लगे। ये काफ़ी यार निडाल हो चुका है, ब्लड इसका काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, तो ठंडा भी ये काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा इसका निकला है। तो कोई डब्बा वगैरह मैं लेके आता हूँ शॉप से जिसके अंदर मैं इसको रखूँ ताकि ये गर्म रहे। तो फ़िलहाल चलते हैं शॉप पे और इसको खिलाते हैं बाद में कुछ खाना वगैरह ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये मैं एक डब्बा लेके आया हूँ, इसके अंदर ये मैंने बल्ब लगा दिए कुछ इस तरह से, ये तारे हैं इसकी, तो इसको बाद में लगा देता हूँ लेड के अंदर। तो ये देखें ये रहा और ये रहा हमारा चूज़ा, तो मैं इसको उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि ये इसको गर्माहट मिलेगी इसकी, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये रहा, मर गया चूचा, खून निकले। तो चूजे को कर दिया मैंने डब्बे के अंदर बंद, अब इसके बचने के चांस नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं कि ये बच जाए। लेकिन ये कि ज्यादातर चांस ये हैं कि ये भी नहीं बचने वाला है।